ज्वाइन करते पार्टी सब हो जाए निपटारा, भ्रष्टाचारियों का इसमें जीवन सवारा। हेमंत शुभेंदु इनके जैसे सभी सबकी पसंद भाजपा। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, भाजपा वॉशिंग पाउडर भ्रष्टाचारियों का पसंदीदा वॉशिंग पाउडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बने इस गाने को सुना आप लोगों ने? इस गाने को सुनने के बाद सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसे गानों के बनने के पीछे का कारण कौन है? वो लोग जो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, या फिर ऐसे लोगों को मौका देने वाले खुद पीएम मोदी? पीएम मोदी को लेकर राजनीति का मार्केट इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और इस तरीके के पोस्टर और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। ये गाना जो अभी आपने सुना, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री पर ऐसे गाने बनने चाहिए? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश की गरिमा होता है, और फिर उनके लिए ऐसे पोस्टर्स जिस पर राजनीतिक बाजार खूब गरमाया हुआ है और इसके जरिए उन पर विपक्षी पार्टियां और लोग राजनीतिक कटाक्ष कर रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए ट्विटर पर संजय सिंह ने लिखा है, यूपी में चलेगा बैनर पोस्टर वीडियो अभियान, मोदी तेरी बीजेपी मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते सारे दाग चुटकियों में धुले, महाभ्रष्ट मोदी वॉशिंग पाउडर। इसी के साथ प्रशांत भूषण ने लिखा है, मोदी वॉशिंग पाउडर सारे दाग चुटकियों में धुले, सब घोटाले बाजों को मंत्री बनाने की गारंटी। YSR लिखते हैं, दिस नेवर गेट्स ओल्ड वॉशिंग पाउडर बीजेपी। और इस तरह की कुछ तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब से तैरना शुरू हो गई, जब से महाराष्ट्र के अंदर दल बदल हुआ है और इसे लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है। और इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। सुना आपने किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी दल बदल के पूर्ण तरीके से खिलाफ थे और इसको लेकर किस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा था। ये समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था और आज ये समय है जब मोदी जी के अमृतकाल में उनकी पार्टी जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर अपने में मिला रही है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण को और मोदी जी के इस तरीके के पोस्टर और वीडियोस को देखकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।